तो सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सतीश जी भी बहुत गौर से देख रहे थे इस रिपोर्ट को, कई सवाल एक साथ खड़े होते हैं। सतीश जी, इनका जवाब आप देना चाहेंगे? जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुआ, जो फरुखाबाद में हुआ और जो आंकड़े बता रहे हैं, ये सब ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि पिछले 6 महीने में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की संजीदगी नहीं दिखती है। आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? बहस शुरू करें, उससे पहले आपका जवाब। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, पिछले 10-15 सालों में उसकी बेहतरी के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। लगातार हम लोग धरने प्रदर्शन, हम लोगों ने योगी जी के नेतृत्व में जब वो गोरखपुर के सांसद थे, मेडिकल कॉलेज से लेकर के और कचहरी तक पैदल यात्रा की थी, धरने पर पूरा पूर्वांचल बैठा था, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा। तो 15 साल की बात है ना? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि 15 साल जिसके लिए संघर्ष किया, 6 महीने में क्या किया उसके लिए? आए दिन वहाँ इन बरसात के मौसम में, अगस्त सितंबर के मौसम में इंसेफ्लाइटिस से शिकार होते हैं बच्चे, और सुविधाओं के अभाव में, जानकारी के अभाव में झोला ठाप डॉक्टरों से लेकर के निजी अस्पतालों तक वो मरीज आते हैं, और जब उन बच्चों की स्थिति बेहद खराब हो जाती है, जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो मेडिकल कॉलेज वो भेज देते हैं कि मेडिकल कॉलेज ले जाइए। एक तो ये पहली समस्या है। दूसरी बात, समस्याएं तो नई नहीं है ना? नहीं है। और हम समस्याओं को गिनाने के लिए तो आपकी सरकार है नहीं। आपकी सरकार समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए पहले भी आती थी। विपक्ष के तौर पे पिछले 15 सालों में आपने जो कुछ किया, जो कुछ जाना समझा इस मुद्दे के बारे में, सरकार में आने के बाद पिछले 6 महीने में क्या किया? जवाब आपको इस बात का देना है। मैं जवाब दे रहा हूँ। आप देखिए, अगर किसी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया, तो जितने बड़े लेवल पर कार्रवाई हुई है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, प्रिंसिपल माफ करिएगा, प्रिंसिपल जेल गया, प्रिंसिपल कोई बड़े लेवल पर कार्रवाई नहीं हुई, कोई बड़े लेवल पर कार्रवाई जेल में है, प्रिंसिपल की पत्नी जेल में है, मोहरा था उस गेम का, उस पूरे प्रिंसिपल सबसे छोटा मोहरा था सतीश जी, सबसे छोटा मोहरा था, जिसको कि आपने जो कुर्बान कर दिया जेल में, मनीष भंडारी कुर्बान कर दिया, ऑक्सीजन का सप्लायर मनीष भंडारी भी जेल में है। की बात कर रहे हैं, अगर इस मसले पे जाएंगे तो ये बहस बहुत दूसरी दिशा में चली जाएगी। क्यों दूसरी दिशा में जाएगी? पुष्पा सेल का नहीं, पुष्पा सेल का मैनेजर मनीष भंडारी जेल में है, कि आप सबसे छोटे मोहरे जेल में कुर्बान किया है, क्लर्क जब इस पूरे जेल में है, जानकारी ये जो चिट्ठियां लिखी जा रही थी पुष्पा सेल्स की तरफ से, जिनकी गिरफ्तारी आप कर रहे हैं, पुष्पा सेल्स ने जब 10-10 आपको रिमाइंडर भेजे, लीगल नोटिस भेजी, जिसको भेजा जिसमें कि आपके डीजीएमई से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबको इसके बारे में जानकारी दी गई, सबको सीसी किया गया, कॉपी मार्क की गई, तो वो लोग, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही क्यों नहीं तय की गई? आपको इस बात का जवाब देना होगा। के लिए बजट की समस्या नहीं थी, उस मामले का निपटारा करने के लिए प्रिंसिपल के लेवल पर गलती हुई थी। बजट का सवाल नहीं है ना, सवाल पेमेंट का है। सवाल पेमेंट का है। जब चिट्ठियां लिखी जा रही थी डीजीएमई को, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बताया जा रहा था कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे, उसके बाद जो घटना होगी, जो हादसा होगा, उसकी जवाबदेही हमारी नहीं होगी, तब उनके कान पे जू क्यों नहीं रहेंगी? तब उनके कान पर क्यों जू नहीं रह रहा था? पेमेंट कब से नहीं हो रहा था? नहीं, आप ये देखिए ना, पेमेंट कब से नहीं हो रहा था, पिछले कई महीनों की बात थी। और आप 6 महीने क्या 5 महीने कम होते हैं क्या? 5 महीने कम होते हैं क्या? 60 लाख का पेमेंट कराने के लिए, जिन लोगों ने 60 लाख का पेमेंट कराने के लिए 6 महीने कम हो, 5 महीने कम होते हैं क्या? जिन लोगों ने पेमेंट में हिला हवाली की, आज वो सब जेल में है। कौन जेल में? ऐसा पहली बार जेल में है। डीजीएमई के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? डीजीएमई के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? प्रथम दृष्टया जो जांच हुई, कमाल करते हैं। जांच में जिनके खिलाफ, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप ऐसे 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 सवाल की तरफ जा रहे हैं जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप जिस तरफ जा रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है। आप बरसों से डॉक्टरों के पद खाली हैं, हम 6 महीने में भर देंगे, ये कैसे हो सकता है? इस पर हम पहले भी बहुत सवाल खड़े कर चुके हैं, जिसका कि आप बीजेपी की तरफ से कोई आदमी इसका सही जवाब नहीं दे पा रहा है। आपने जो कहा कि हमने बड़ी कार्रवाई की, आपने जब ये घटना हुई थी तो आपकी सरकार ने कहा कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दुनिया देखेगी, और दुनिया ने क्या देखा? प्रिंसिपल जैसा छोटा मोहरा आपने उसको हलाल कर दिया। क्यों, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल छोटा मोहरा कैसे होता है? पूरा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के नेतृत्व में चलता है, छोटा मोहरा कैसे होता है? ठीक है, लेकिन जिनको चिट्ठियां लिखी गई थी ना ऊपर में, उनकी भी जवाबदेही बनती है। और जब आपने इसी की सियासत, इसी सियासत की कमाई खा रहे हैं ना योगी जी, तो
इसी सियासत की कमाई, आपने कहा तो कि 15 साल में हमने यही किया है, तो 15 साल में जिस सियासत की कमाई खा रहे हैं उसके बारे में, उसके बारे में तुमको पता ही था कि अगस्त और सितंबर के महीने में क्या होता है, क्षेत्र का रहने वाला हूं, योगी जी ने छुपा है उनको, उनसे छिपा हुआ था क्या? तो बतौर मंत्री, जो मंत्री थे विभागीय मंत्री, उन्होंने क्या कार्रवाई की? योगी जी ने इंसेफ्लाइटिस और पूर्वांचल के कभी जानने की कोशिश की क्या कि वहां दवाइयां हैं कि नहीं? जो लड़ाइयां लड़ी हैं सप्लाई पर्याप्त है, किसी ने नहीं लड़ा, कुछ नहीं। अब आप तो बोलने नहीं, ठीक है, योगी जी ने गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक गोरखपुर पे नहीं जो इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। व्यवस्था का जो मसला है उस पर आएंगे। सतीश द्विवेदी जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। आप यहाँ पर दलीलें दे रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं आप यहाँ पर कि हमने ये किया, हमने वो किया। हम आज 6 महीने के कामकाज पर बात करने के लिए बैठे हैं और जब बात स्वास्थ्य पर हो रही है, आप यहाँ पर जो दलीलें दे रहे हैं, ये दलीलें आप 6 महीने में जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है उन्हें दे सकते हैं क्या? उन्हें क्या कहेंगे कि हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है स्वास्थ्य महकमे में सुधार करने के लिए, जबकि इतने परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है? हमारी सरकार आने के बाद किसी बच्चे की मौत नहीं होगी? कोई ये कैसे बीमारियों से मौत होती है? बिल्कुल, एक सक्षम सरकार जिम्मेदारी है, एक प्रदेश में सक्षम सरकार इस बात की जिम्मेदारी है। वही गलती आप फिर से कर रहे हैं। आप ये देखिए, आप नहीं नहीं आप ये देखिए, आप ये देखिए कि पहली बार अगर कहीं कोई गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करता हुआ नजर आप फरुखाबाद की घटना देखिए ना, डीएम प्रिंसिपल सबके ऊपर तुरंत कार्रवाई हुई है। एक काम करने वाली सरकार जिम्मेदारी ले सकती है? ये भी पूछा जाना चाहिए कि बीमारियों से मौत अलग चीज है और ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत दोनों अलग अलग। लापरवाही से मौत एकदम अलग चीज है। ऑक्सीजन से की कमी से होने वाली मौत मौत नहीं, वो हत्या है, वो हत्या है। इसीलिए हम उसको गोरखपुर नरसंहार कहते हैं। जिस भी लेवल पर कहीं लापरवाही किसी मामले में हुई है उनके खिलाफ जितनी तेजी से कार्यवाही हुई है उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ उदयवीर सिंह जी जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से। जेल जाते हुए कभी नहीं देखा। ये बीआरडी का मसला ऐसी दुखती रग है बीजेपी की कि जिस पर आप हाथ रखते ही नहीं। सवाल ये है बीआरडी मेडिकल कॉलेज का, पहले तो ये सतीश जी ये बताएं, क्या ये मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई थी बच्चों की? क्योंकि रिपोर्ट में तो डीएम की रिपोर्ट में ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी उसमें कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई थी तो पुष्पा सेल्स का मैनेजर क्यों जेल गया, क्यों गिरफ्तार हुआ और एफआईआर क्यों हुई? और यदि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई तो उस कमी को क्यों नहीं मानते हैं? इनकी रिपोर्ट जो चीफ सेक्रेटरी ने दी है वो रिपोर्ट गलत है, ये खुद कह रहे हैं, या तो उसे स्वीकार कर लें, दोनों में से कौन सी स्थिति ये मानते हैं पहले तो ये साफ कर दें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको मानना पड़ेगा सर, सरकार उस मोर्चे पर फेल हुई है, पहले आपने मना कर दिया, पहले आप जी बिल्कुल बात पूरी। सरकार फेल नहीं, सरकार फेल होने का सवाल नहीं है। सरकार ने पहले बच्चों की मृत्यु को छुपाने की कोशिश की, उनकी डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम नहीं कराया, बगैर पोस्टमार्टम कराए आप कैसे जान गए कि यह मृत्यु किस कारण से हुई है? उसके बाद उनको भगा दिया गया, उनको कोई एम्बुलेंस से भी घर नहीं भेजा गया, और जब सारी बात खुल गई तो प्रमुख सचिव को बचा लिया गया, प्रमुख सचिव को बचा लिया गया, और स्कूल के ये कॉलेज के प्रिंसिपल मात्र को कुर्बान करके इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। जब रिपोर्ट, जब कॉपियां चीफ सेक्रेटरी तक गई, मंत्री तक गई, प्रमुख सचिव तक गई, सारे लोग नजरअंदाज करते रहे, बजट लखनऊ से जाना था, तो प्रिंसिपल अकेला जिम्मेदार कैसे हो सकता है? आपकी सवाल सरकार, ये है, आपकी सरकार ये है कि इनको आपकी सरकार का एक चहेता डॉक्टर कफील जो वहाँ के ऑक्सीजन के सिलेंडर को आपको वहाँ के सुनिए ये आपकी दूषित मानसिकता, सुनिए प्रिंसिपल से ज्यादा डॉक्टर कफील की चिंता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर वो मेडिकल कॉलेज की मौत का मसला है, ना कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मौत का मसला है। मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने क्लिनिक में ले जाता था, आज जांच हुई है तो सामने आई है चीजें, वो मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन के सिलेंडर अपनी प्राइवेट क्लिनिक में ले जाता था, लोगों ने षड्यंत्र किया, आपकी सरकार से जुड़े हुए लोगों ने षड्यंत्र किया, सरकार कुछ जानता ही नहीं है, हमारी सरकार को, हमारी सरकार को पिछले 15 साल 20 साल से 40,000 बच्चों से ज्यादा मरे हैं, 40,000 बच्चों से ज्यादा 30 साल में मरे हैं। ये सारी सरकारें जो इस समय रही हैं, ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर सकती हैं, पर अपने आप को नहीं बचा सकती। 40,000 बच्चे मरे हैं पिछले 30 साल में, 40,000 बच्चा मरा है, कौन जवाब देगा इसका? हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई, हमारी सरकार के खिलाफ साजिश रचने के लिए बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारी सरकार के खिलाफ साजिश रची गई। सतीश जी एक सेकंड रुक जाइए, सतीश जी एक सेकंड रुक जाइए।
सरकार में है, जिनका फाइनेंस सचिव उनको हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ नहीं सर, मैं आपके पास आऊंगी। बहुत बहुत वक्त ले लिया आप लोगों ने इस वाद विवाद में। हमारे पास जुड़े हुए हैं इस वक्त लोक दल से सुनील सिंह जी, भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी बात रखेंगे जी। देखिए, जैसा कि ये गोरखपुर का मसला है, जिस दिन योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली तो हमने एक उस पर वो किया था कि जो आदमी 15 साल सांसद रहते हुए जापानी बुखार से अपने क्षेत्र को नहीं ठीक कर सका, वो प्रदेश को क्या ठीक करेगा। जहां तक ये जापानी ज्वर जब हुआ, ये जो अभी अगस्त में हुआ, इसमें जो कुछ भी चला, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब हम MLC थे या जब पिछले 10-15 साल में जा रहे हैं, निरंतर यह होता है कि ये सरकारें केंद्र और प्रदेश पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, कोई इसका हल नहीं निकालना चाहता। और अभी जो रिपोर्ट आई, जैसा कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं, एक रिपोर्ट और आई, एक अखबारों में आया कि अगस्त में, पिछले अगस्त में 700 बच्चे मरे थे, इस बार तो 399 बच्चे मरे हैं। सवाल इस बात का है कि उन मासूमों का, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी से, जो इनके जो ये बचाना चाह रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि बताया प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, आज भी उन पे कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया, बड़े अधिकारी पे कुछ नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बेशर्मी से आज भी पद लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और किन लोगों पे कार्रवाई करी? एक मामूली प्रिंसिपल पे बेचारे जो वहां बैठे थे, उन लोगों पे कार्रवाई करी जिनके हाथ में कुछ नहीं था। ये जिस तरह की सरकारें हैं जो ये कर रही हैं, ये मासूमों को निरंतर हर वर्ष, गोरखपुर का कोई समाधान नहीं निकाल सकते, लेकिन आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर गोरखपुर का एम्स की, हालांकि वहां अभी खाली स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए अभी कुछ भी नहीं हुआ, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए सवाल और भी है, सवाल बहुत बहुत सारे हैं, हम उन दूसरे सवालों की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम आपको वो पोल दिखाते हैं, सोशल मीडिया पोल, जिसके जरिए हमने लोगों के, जो खास करके सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं, उनसे हम समझने की कोशिश कर, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पिछले 6 महीने में जो काम हुआ है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, और जो नतीजे आए हैं। हमने सवाल पूछा था कि क्या उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव हुआ है, बदलाव से हमारा मतलब सकारात्मक बदलाव से था, बदलाव हुआ है कि नहीं। जो नतीजे आए हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं, और नतीजे हैं कि 100 में से 33 लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई, सिर्फ 23% लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, जबकि 45% लोग मानते हैं कि पहले से खराब हुई हैं स्वास्थ्य सेवाएं। 32% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बारे में कोई राय नहीं रखी है, उन्होंने कहा कि हम कह नहीं सकते कि अच्छी हुई है या बुरी हुई है, लेकिन एटलीस्ट जितने लोगों ने कहा कि बेहतर हुई है उससे करीब, अगेन आप एक बार फिर से इस पर गौर कर सकते हैं, जैसा कि हमने कानून व्यवस्था के मसले पे देखा था, एक बार फिर से उसी तरह के आंकड़े कमोबेश आ रहे हैं कि 23% लोगों ने कहा कि बेहतर हुई, जबकि 45% लोग, यानी कि करीब करीब 2 गुना लोग ये मानते हैं कि पहले से खराब हुई है। ये सोशल मीडिया पोल है, हमें नहीं कह रहे कि ये जो हमारे पास आंकड़े हैं ये रिप्रेजेंटेटिव आंकड़े हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग कह रहे हैं उनको हमने आपके सामने रखा है। हम आज अपनी 6 महीने की, जब योगी सरकार के कामकाज पर का हम लेखा जोखा ले रहे हैं, तो हम उसमें कई तरह की के पैरामीटर्स पे सरकार के कामकाज को परखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं, एक्सपर्ट की राय भी दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो पोल है वो भी हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ हम आपको इस बहस के जरिए जो राजनीतिक पार्टियों में जो इस पर जो बहस है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो राजनीतिक जो बहस है वो तो हमने आपको दिखाया, अब हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम एक तटस्थ आवाज़ के तौर पे जिनको हम इस बहस में शामिल कर रहे हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, पूर्व DGP हैं। सुब्रत जी, अभी आप कानून व्यवस्था पर आपसे बात हो रही थी, आपने एक बड़ी रोचक बात कही थी, वो अपने आप में सरकार के कामकाज पे एक बड़ा सवाल था, जो स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति है सूबे में उसको किस तरीके से देखते हैं? ये शुद्ध भ्रष्टाचार की देन है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं, चाहे ये किसी भी गवर्नमेंट खराब रही हो, चाहे आज खराब हो, जितना ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जिसका प्रमाण यह है कि आज कोई ये नहीं पूछ रहा कि ऑक्सीजन क्यों गड़बड़ हुई। नियमानुसार जितने लोगों को वह प्रतिलिप गई थी, बड़े लोगों को, वे सब लोग आपराधिक लापरवाही के मुलजिम हैं, और उन समस्त अधिकारियों को, चाहे विभागाध्यक्ष हो, चाहे वे सचिवालय के हों, चाहे कोई भी हों,
और जिन्होंने उस पर अटेंशन नहीं दिया, यह एक लापरवाही नहीं है, आपराधिक लापरवाही है, वे अरेस्ट किए जाने चाहिए। मतलब जैसे घोटाले में भ्रष्टाचार का मामला है, क्या क्या मामला बनता है इनके खिलाफ कायदे से अगर देखा जाए? आप चूंकि क्रिमिनल नेग्लिजेंस का 120B 120B आईपीसी कपल्ड विद सेक्शन 304A में इनकी अरेस्ट होनी चाहिए। एक से ईमानदार कोई कितना भी हो, हरिश्चंद्र गुप्ता को आईएएस को दुनिया मानती ईमानदार है और हैं थे, और कई बड़े बड़े लोगों ने इस बात का आवाज उठाया, लेकिन कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया भ्रष्टाचार में, क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था, भले राजनीतिक दबाव में किया था। किसी कारण से अगर हमारी नॉलेज में आता है, आपकी नॉलेज में आता है कि ऑक्सीजन की पेमेंट नहीं हो पा रहा है और हम उसके पेमेंट को इंश्योर नहीं करते हैं, तो जिस जिस आदमी के नॉलेज में आया है, जिस जिस आदमी के पास पत्र की प्रतिलिपि गई है, यहाँ तो लीगल नोटिस तक भेजा गया था विभागाध्यक्ष हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति सिवाय ग्रास रूट्स वाले आदमी को छोड़ करके अगर ये एस्केपिज्म है, जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार पर जब तक जीरो टॉलरेंस नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ भैया जेल मंत्री ने FIR लिखाई भ्रष्टाचार पर, सारी फाइल डाइवर्जेंस का सीधा ताल्लुक है, मैं पूछ रहा हूँ या तो आज भी ये चर्चा का विषय है कहाँ पर कौन सी फॉरेंसिक जांच इसमें होनी थी, दो मिनट में, दो घंटे में, दो दिन में डिसाइड हो सकता था कि वहाँ पर कौन थे कौन नहीं थे, कैसे वह निकल गया, और निकल भी गया तो जो लोग थे घटना पर, मंत्री झूठ बोल रहे हैं, अधिकारी झूठ बोल रहा है, किसी न किसी की जिम्मेदारी अगर अब तक हफ्ते भर हो रहा है तय नहीं हो पाई, तो क्या यही जीरो टॉलरेंस की नीति है? क्यों नहीं वो अधिकारी जेल जा सका रहा है? अगर मंत्री की बात विश्वसनीय है, अगर यह तो फिर अधिकारी को जेल भेजने में दिक्कत क्या है? गवाह सामने मौजूद है, कितने घंटे लगता है गवाह बयान दर्ज? ठीक बात है, सिर्फ बात कहने से नहीं बात बनी, वही बात उन बातों पर ऑक्सीजन पा रही है। और आप मंत्री के तौर पर जब ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, तो ये भ्रष्टाचार का मामला अब उसको उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी जवाबदेही जिम्मेदारी आप ही की है, तो ऐसे में मंत्री अगर सिर्फ कहकर अगर बात निकल जाए तो काफी नहीं। आरोप प्रमाणित कर चुकी है, ठीक बात, ये लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, ठीक बात है, वे सस्पेंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे दर्जनों लोग हैं जिन पर इसी गवर्नमेंट की सीबीआई प्रमाणित कर चुकी है कि यह अधिकारी भ्रष्ट है, महाभ्रष्ट है, इसने पैसा लिया है, आरोप जांच में नहीं है, प्रमाणित है, ठीक बात, राजू कुशल सेक्शन नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे एक्सीडेंट सप्लाई हो रही है? बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा सवाल है, और सरकार ने इसको लेकर के भी, जब सरकार नई आई थी तो शुरुआती जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें बहुत सारी बातें कही गई कि वो सरकार किस तरीके से इस पर आगे बढ़ेगी। ऐसा लगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा में हम आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हम कुछ सकारात्मक बदलाव देखेंगे। कुछ मोर्चे हैं जहां पर कि कुछ बदलाव हो भी रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि 6 महीने में जो इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए था स्वास्थ्य और शिक्षा को ठीक करने के लिए, खास करके तब जैसे शिक्षा का जो मसला है, कहा गया था कि भाई 15 जुलाई तक हम सबको यूनिफॉर्म और किताबें मुहैया कराएंगे, 15 सितंबर भी निकल गया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ उस मामले में। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप में सरकार के कामकाज पे सवाल खड़ा कर रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? अगर पुराना प्रकरण है उस पर अगर मुझे एक मिनट का समय दे दें आप। जी बताइए। तो गोरखपुर का प्रकरण मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने, आपने जो हमारे सहयोगी हैं बैठे हैं पड़ोस में, उन्होंने कहा कि वो पिछले 30 सालों में 25,000 लोग मर गए या 30,000 लोग मर गए, बच्चे मर गए, सारी सरकारें दोषी है, सरकार दोषी नहीं है, 6 महीने में जो मरे हैं ये सरकार भी दोषी है, लेकिन पूर्व सरकार को ये नहीं कह सकते कि 6 महीने इतने बने पूर्व सरकार दोषी नहीं है। 240 बच्चों की मौत हुई है इस वर्ष, मुख्य रूप से जुलाई, इसमें अगस्त में, सितंबर में 114 उसमें से जापानीज एंसेफ्लाइटिस के हैं। 86 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ है इस 6 महीने के अंदर। सच को क्यों छुपाना चाहते हैं आप? क्यों खाली हम आलोचना की उसमें पड़े? देखिए आने वाले समय में उस क्षेत्र में, देखिए 24 जिले हैं जहां पर प्रभाव है इसका। BRD मेडिकल कॉलेज में सारे जिलों से, पूर्वांचल से बच्चे आते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर, बिहार से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, पूरे प्रदेश में जो PSCs हैं, 3200 PSC हैं, उन PSCs में क्यों नहीं इलाज हो पाता? पूर्वांचल की PSCs में इलाज क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वहां पे
जो जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनके 83% पद खाली हैं। ये आंकड़े आपकी अपनी जगह पर हैं सर। नहीं सर, ये आंकड़े आपकी अपनी जगह पर हैं, लेकिन जनता की जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो अपनी जगह पर हैं। अगर जनता इस सरकार लाती है, अगर बात पूरी नहीं होने देगी क्या कभी कोई मुख्यमंत्री गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गया? हर साल मरते बच्चे, और उसी के बाद जो हादसा हुआ है उसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री वहां पर गए तो आखिर उन्होंने क्या देखा? नहीं नहीं सर, उन्होंने वहां पर जाकर क्या देखा आखिर? लोगों की मृत्यु होना और मुख्यमंत्री के जाने के बावजूद लापरवाही से नष्ट होना, ऑक्सीजन का केंद्र में भी सरकार रही, उत्तर प्रदेश में भी सरकार रही, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी और जहां तक ऑक्सीजन की, हमें ऑक्सीजन की बात सुनिए, ऑक्सीजन का ठेका किसने दिया? एक मोटरसाइकिल रिपेयर करने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने ठेका दिया, वो व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता, ऑक्सीजन लेके आता है वो, गवर्नमेंट के लोगों को इस जेल बेंच से किसने रोका है? ठीक है सूर्य प्रताप जी उदयवीर जी हमारा सवाल यह है कि ठीक है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि 86 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ और ये बात ठीक है कि जो उसकी वजह से, ये बात बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसकी वजह से, लेकिन ये टीकाकरण का काम जो है कोई योगी सरकार ने नहीं शुरू किया, 2006 से टीकाकरण का काम चल रहा है, 2007 से काम चल रहा है, वही मैं कह रहा हूं, आप एक मिनट, 2007 से काम चल रहा है और ये बात भी सही है कि टीकाकरण की वजह से अब जैपनीज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों का आंकड़ा बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, वो जितने आंकड़े होते थे उसके 10 से 15% भी नहीं बचा, लेकिन AES की वजह से, जिसको एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बोलते हैं, AES की वजह से मौतें अभी भी हो रही हैं। भाई हमारा सवाल यह है, जिम्मेदार है सरकार, हम क्यों नहीं कर रहे? 7 साल तक जैपनीज इंसेफ्लाइटिस को बेचा, 8.5 साल तक वो उनकी सरकार रही, उनके सांसद रहते, क्या लेके आए? सुन लीजिए, अभी आपसे बात नहीं हो रही, 7.5 साल तक हमें चुप नहीं कर सकते हैं, इनको इनको सूर्य प्रताप जी, ठीक है सूर्य प्रताप जी उनको अपनी बात, उनकी बात नहीं, हमें यहाँ हम व्यक्तिगत, सूर्य प्रताप जी हम व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत टिप्पणी से बचेंगे, हम व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लेंगे, हम व्यक्तिगत आक्षेप और उसकी टिप्पणी पर हम बचते हैं, हम सिर्फ सवालों की बात करते हैं, हाँ ठीक है उदयवीर जी, आप अपना सवाल पूरा करिए, ठीक है सतीश जी को अपना सवाल पूरा करिए, वो मुद्दा पहुंचा सतीश जी को, सवाल राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है आप जवाब दे दीजिएगा उनको, सवाल पूरा करिए, जवाब दे, 8.5 साल तक उनके संसदीय काल में उनकी केंद्र में सरकार रही, वो कोई प्रोजेक्ट लाए नहीं लाए, सवाल ये है एम्स उन्होंने स्वीकृत कराया वो कहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में अखिलेश यादव जी की सरकार ने जमीन दी उसे मुफ्त, मेरा सवाल ये है केंद्र की सरकार ने कितना पैसा दे दिया है उस एम्स के लिए 3 साल में,
और अब एक बजट और लाना है, एक बजट में कितना पैसा देंगे, उनकी गंभीरता इसी से मालूम पड़ जाएगी कि एम्स को कितना पैसा अब तक दिया उन्होंने बजट में, बता दें। ठीक है, और सतीश द्विवेदी साथ ही मेरे भी एक सवाल का जवाब आप दीजिए कि आप इतने अरसे से योगी जी बात करते रहे दिमागी बुखार की, इंसेफ्लाइटिस की बात करते रहे, आपको कहीं ना कहीं कसक तो होती होगी ना, कहीं कहीं एक दुख तो होता होगा दिल पर हाथ रख के कहिए कि एक सेकंड कि जब हम 6 महीने की बात कर रहे हैं तो इतनी सारी मौतें गोरखपुर में फरुखाबाद में आपके खाते में है, कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती होगी ना आपको इन 6 महीनों के का जब विश्लेषण करते होंगे तब। मुझे अपनी बात पूरी करनी दीजिए। अभी कहा जा रहा है योगी जी 8 साल से, योगी जी जब से सांसद बने वो देश के इकलौते सांसद हैं जिन्होंने देश की नजर में इस बीमारी को लाया, उसके पहले इस बीमारी से सैकड़ों बच्चे मरते। अब फिर आप देखिए, बोलिए मत, आप बोलिए मत, नहीं तो हम बोलने नहीं देंगे, हम बोलने नहीं देंगे। देखिए योगी जी के संघर्षों के कारण पहली बार राष्ट्रीय फलक पर यह बीमारी संसद में चर्चा का विषय बनी, उनके प्रयासों से वायरल रिसर्च इंस्टीट्यूट गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बना, योगी जी के प्रयासों से ही बार बार मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के नाते अब देखिए आप निरीक्षण करने के नाते मुद्दा बना और योगी जी ने इस मुद्दे को इतना उठाया जिसके कारण से हमारी 8 साल से केंद्र में सरकार नहीं है, 3 साल से सरकार है और उसने एम्स दिया, एम्स बनाने का पूरा बजट हमारी सरकार जारी कर चुकी है। आपकी अखिलेश यादव की सरकार जमीन नहीं दे रही थी गोरखपुर में एम्स बनाने के लिए, जिस अखिलेश यादव को आप कह रहे हैं बड़ी चिंता थी, हम बड़ी जद्दोजहद के बाद आंदोलन करने की धमकी देने के बाद तब हमारी जब प्रदेश में सरकार योगी जी की बनी है तब हमने जमीन का स्थानांतरण किया, तब एम्स के लिए जमीन गई है और जमीन वहाँ एम्स बन रहा है। आप किस तरह का प्रयास चाहते हैं, मैं जवाब दूंगा। आपने क्या प्रयास किया था आप बताइए ना। उदयवीर जी सतीश जी से डॉक्टरों के खाली पद, जो जर्जर बिल्डिंग है, आप जो कह रहे हैं हमने सारी बातें मान ली, हमने सारी बातें मान ली, आपने जो कहा हमने सारी बातें मान ली। हम सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहते हैं कि भाई जब आपके आपके मुख्यमंत्री, भाई आप किसी सांसद और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जिस मसले की सियासत पिछले 15 साल से कर रहे थे, वहां तो वहां का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो 15 साल में उन्होंने क्या नहीं जाना कि इस हॉस्पिटल की का मर्ज क्या है, इसकी बदहाली क्या है, कि अगर 15 साल तक उसकी सियासत करने के बाद भी अगर वो इस मसले को नहीं समझ सके और सीएम बनने के बाद उस पर कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले पाए, वहां का जो मिनिस्टर है, भाई आपने तो खुद ही कहा ना कि आपको पता था कि अगस्त और सितंबर में वहां क्या कुछ होता है, तो आपने क्यों नहीं सुनिश्चित किया, हम तो सिर्फ एक बहुत बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं, क्यों नहीं सुनिश्चित किया, क्योंकि आपके विभागीय मंत्री ने जानने की कोशिश नहीं की कि वहां पर दवाओं की सप्लाई ठीक है कि नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक है कि नहीं, वहां हाइजेनिक कंडीशन है कि नहीं, लोगों के लिए बेड और उसके डॉक्टरों का सही पर इंतजाम है कि नहीं। भाई ये इसको सुनिश्चित करना तो आपके मंत्री और आपके सीएम का काम था ना, क्योंकि आपकी सियासत का हिस्सा रहा है, आपने खुद कहा। क्यों इतनी बड़ी दौरे पर गए थे, दौरे का जाने के एक दिन बाद ही घटना हुई है, सारे का सारा अस्पताल प्रशासन मुख्यमंत्री की अगुवाई में लगा रहा, किसी को बच्चों की फिक्र नहीं थी, सारे का सारा अस्पताल प्रशासन मुख्यमंत्री की अगुवाई में लगा रहा। सतीश जी को जवाब दे, नहीं जवाब दे, सतीश जी घटना के लिए ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं, इस सवाल का जवाब देने जब मीटिंग हो रही है और मीटिंग में हमारा मुख्यमंत्री उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछ रहा है कि ये समय आने वाला है, उसकी व्यवस्था से संबंधित जो कमियां हो बताइए, क्यों आज वो डॉक्टर जेल में है, क्योंकि उस दिन उस डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास सारी व्यवस्था है, और योगी जी के सांसद रहते पंक्चर बनाने वाले को गैस ऑक्सीजन की सप्लाई का ठेका नहीं दिया गया था, बात समझिए। जब मीटिंग आज क्यों सजा भुगत रहा है वो प्रिंसिपल, क्योंकि उसने कहा था कि हमारे पास मुकम्मल तैयारी है, और जो डॉक्टर कफील जो आज जेल में है इसलिए है कि वो मेडिकल कॉलेज के सिलेंडर को चोरी छिपे वो अपने प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाता था, इस नाते आज वो जेल में है। अंदर की व्यवस्थाएं तो जो उस समय की सरकार थी वो जानती थी ना। सवाल ये, सरकार बजट देती है, आपने बजट कितना दिया वो बताइए ना। तीन बजट केंद्र से आ गए, आपने कितना एम्स के नाम पे बजट दिया है, जमीन तो आप 2 साल पहले ले लिए पूरा, आपको पता नहीं है, बताइए कितना बजट दिया है, उसका आंकड़ा बता दीजिए ना। एम्स बनाने के लिए पूरा बजट जारी हो चुका है, आपको जानकारी नहीं, आप जमीन नहीं दे रहे थे, आप जमीन नहीं दे रहे थे, हमारी सरकार ने जमीन दिया है,
मुकदमा कराया, हमारी सरकार ने जमीन दिया है, आप दूसरी जमीन दी, आप जमीन नहीं दे रहे थे, आप जमीन नहीं दे रहे थे, हमारी सरकार आप वह जमीन दे रहे थे जिस पर मुकदमा चल रहा था। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप होने की बजाय मामले का हल निकालने का प्रयास नहीं होता, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उदयवीर जी, उदयवीर जी, उदयवीर जी, सवाल और भी है, सवाल और भी है। बीआरडी, बीआरडी से परे भी बहुत सारे सवाल हैं, बीआरडी से परे भी बहुत सारे सवाल हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर बीआरडी से परे भी बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि भाई कि उत्तर प्रदेश में जितने डॉक्टरों की जितनी जरूरत है, क्या उसके हिसाब से डॉक्टर हैं, क्या जितने मेडिकल, जितने कॉलेजेस, जितने हॉस्पिटल की जरूरत है, क्या उतने, क्या उतने मेडिकल कॉलेज हैं, क्या उतने हॉस्पिटल हैं? अगर नहीं है भाई, हमने, हमारे पास आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी सिर्फ 3,000 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जबकि जरूरत 30,000 की है, सिर्फ 3,000 डॉक्टर की जरूरत 60,000 की है, 18,000 उसमें से भी ज्यादातर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। ये इस तरह के सवाल हैं जिस पर कि ज्यादा काम करने की जरूरत है। बीआरडी का मामला एक मामला था, ये बड़े सवाल हैं। पवन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन सिंह जी, आपको लगता है कि शिक्षा, खास करके स्वास्थ्य के मामले में जो बड़े इनिशिएटिव लिए जाने की जरूरत है, जो बड़ी पहल करने की जरूरत है इन सारे मसलों को ठीक करने के लिए, क्या 6 महीने में उसकी कोई रूपरेखा बनती हुई दिखाई दे रही है? ठीक है, उस पर काम नहीं हुआ तो भी क्या आपको लगता है कि उस दिशा में सरकार बढ़ रही है? देखिए, सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले, चिकित्सीय शिक्षा के बारे में देखना चाहिए कि अभी हमारे देश में जैसे आपने जो आंकड़े दिए हैं, तो हमारी शिक्षा को और सरल बना करके मैक्सिमम डॉक्टर हम कैसे प्रोड्यूस कर सकें। हकीकत में ये है जो MCI जो भी हमारे मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं उस पर इतनी तेज़ी से, सख्ती से, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून, थोड़ा सा अगर हम्बल होकर के, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा जा करके, जैसे शिक्षा में मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ढील दी जाए, लेकिन थोड़ा सा हम्बल होकर के अगर शिक्षा को बढ़ाया जाए, चिकित्सीय शिक्षा को बढ़ाया जाए, तो हकीकत में डॉक्टर ये 3,000 से 30,000 का जो आंकड़ा है ये बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। लेकिन उसमें कोई सरकार बड़ी पहल नहीं कर रही है, बड़ी पहल करने की ये जरूरत है कि प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट कॉलेज आते हैं उनको और प्रोत्साहन दिया जाए और उनको इस तरह का इनिशिएटिव दिया जाए, सरकार तो इस तरह के कुछ प्रलोभन दे कि या कुछ टाइप के सिस्टम डेवलप करे कि उनको इजी वे में जाकर के डॉक्टर को प्रोड्यूस कर सके। आपके हिसाब से, स्वास्थ्य और शिक्षा के मसले पे सरकार को 10 में से कितने नंबर मिलेंगे? स्वास्थ्य शिक्षा बारे में मेरे हिसाब से 5 में मिलने चाहिए। मतलब पास कर दिया आपने किसी तरीके से, बड़ा सोच के आपने कहा कि 5 नंबर मिलेंगे, मतलब पास, मतलब सरकार, मतलब सही प्रयास कर रही, बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन नतीजे आने में वक्त लगेगा। ठीक है, ठीक है। सुब्रत त्रिपाठी जी, आप नंबर देने से हिचकेंगे, लेकिन संक्षेप में बता दीजिए कि सरकार के कामकाज को कैसे आंकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य वाले मसले पर? देखिए, समय थोड़ा कम है। शिक्षा में तो सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा का एक बहुत बड़ा घटक कहा जाता है बेसिक शिक्षा, वहाँ पर प्राइमरी का अध्यापक कहीं जनगणना करा रहा है, कहीं पशु गणना करा रहा है, कहीं टीका लगवा रहा है, हर काम वह करा रहा है। और अगर वह पढ़ाना चाहे भी, पहली बात चाहता भी नहीं है काफ़ी लोग, चाहे भी तो उसके पास पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। इसी कारण है वहाँ क्वालिटी के बच्चे आजकल एडमिशन नहीं लेते हैं। इतने हाई कोर्ट तक कई बार कह चुकी है उसको इसमें से निलंबित निकाला जाए, कामों निकाला जाए। ठीक है, और इसके लिए केवल एक इच्छा शक्ति की जरूरत है, कोई पूंजी नहीं है। हम मानते हैं उनकी संख्या कम है और उनकी गुणवत्ता भी सुधारी जाए। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में काफ़ी दिनों से काफ़ी भर्तियां नहीं हुई हैं और विश्वविद्यालयों के स्तर को, शोध के स्तर को और चीज़ों को उन्नयन की आवश्यकता है। ठीक है, जिसमें कि एक मेजर इनिशिएटिव और थ्रस्ट जो है वह आनी चाहिए। सरकार चाह रही है, लेकिन क्या कारण पड़ रहे हैं मैं सरकार का अंग नहीं हूँ, उसको देखना उतनी टाइम। ठीक है, क्यों नहीं लागू हो पा रही, लेकिन लागू होती नहीं दिख हमारे पास। हाँ ठीक है, हमारे पास एक लेकिन ऐसा लगता है कुछ चाह रही है। अच्छा ठीक है, हमारे पास कुछ आंकड़े भी हैं जो सरकार के की प्राथमिकता क्या है, ये आंकड़े, इन आंकड़ों के जरिए इसको समझने की हम कोशिश कर सकते हैं। कई बार आंकड़े अपने आप में एक इनसाइट, एक हमें समझने का एक जरिया होता है, तो हम इन आंकड़ों की तरफ चलते हैं। हमारे सहयोगी हैं गौरव, जो कि आपको बताएंगे स्वास्थ्य और शिक्षा, खास करके शिक्षा के मसले पर सरकार ने क्या काम किया, इसका कितना फोकस है, इन आंकड़ों के जरिए जरा समझते हैं। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी आपका।
सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सूबे में सरकार बनने के साथ ही सबसे पहला वादा जो उन्होंने किया था वो था शिक्षा व्यवस्था को, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर शिक्षा व्यवस्था पर जिस तरह से पिछली सरकार को घेरते हुए बीजेपी ने अपना एजेंडा तय किया था, ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार जैसे ही सूबे में आई उसने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही और अपने मैनिफेस्टो से लेकर अपने संकल्प पत्र में भी इस बात का उन्होंने काफी बखान किया। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर आंकड़े क्या कहते हैं 2016 और 2017 को लेकर। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 38,066 करोड़ ये जो बजट था ये 2016 में आया था और इसी के साथ साथ 2017 में जिस तरह का बजट पास हुआ वो था 50,142, तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि 2016 की ये जो हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं ये 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो जो बजट पास हुआ था उसका है और उसी के साथ साथ जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट आई उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने प्राइमरी एजुकेशन को लेकर जो बजट पास किया 50,142 करोड़ ये उसका है। तो ऐसे में आपको ये भी बता दें कि ये शुरुआती 8 महीनों का ग्राफ है और ये परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो 31.7% बढ़ोतरी हुई है योगी आदित्यनाथ की सरकार में बजट को लेकर। और अब बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की। जी हाँ, सेकेंडरी एजुकेशन जिसमें ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बजट को लेकर सबसे पहली बात की जाती है वो कोई भी सरकार सूबे में आती है उसके साथ ही की जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि आंकड़ों को लेकर जो मतभेद हमेशा से चलता रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं 2016 और 2017 एक बड़ा पैमाना साल भर का बजट होता है, ऐसे में कहीं ना कहीं सामने आते हुए जिस तरह की स्थिति देखने को मिलती है तो अखिलेश यादव की सरकार में क्या स्थिति थी और योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनी तो उसमें क्या स्थिति है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हायर एजुकेशन की बात अब हम कर रहे हैं, जहां पर 2585 करोड़ 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब पास किया गया था और उसके बाद जब सूबे में 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो 2656 करोड़ का बजट यहां पर पास किया गया। तो जैसा कि देखा गया कि योगी आदित्यनाथ की जब सूबे में सरकार आई तो ग्राफ भी बढ़ा, जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे उसको कहीं ना कहीं लेके जाते हुए उन्होंने अपने ये वादे को लेते हुए उन्होंने सबसे पहले बढ़ोतरी की बजट में और वो बजट में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 2.7% की। तो इसी के साथ अगर कुल मिलाकर बात की जाए पूरी एजुकेशन की कि क्या रहा पूरी एजुकेशन में तो हम आपको कंपैरिजन के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 2016 के जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कुल एजुकेशन बजट जो 2016 में पास हुआ था वो था 49,608 करोड़ का और उसी के साथ साथ जो 2017 में बजट पास हुआ था वो था 62,125 करोड़ का। तो ऐसे में अगर आप देखिए तो एक बड़ा पैमाना कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार जब सूबे में आई तो अखिलेश यादव से 25.4% की अगर बात की जाए तो ज्यादा रहा, क्योंकि अगर अखिलेश यादव की सरकार में जो बजट पास हुआ था वो था 49,608 करोड़ का और उसी के साथ अगर बात की जाए 2017 में जब सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो जो बजट था वो था 62,125 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं जाकर 25.4% की बढ़ोतरी दी है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अखिलेश यादव की सरकार से ज्यादा। तो अगर बजट के आंकड़ों में देखें तो ये तो साफ दिखता है कि योगी सरकार शिक्षा को लेकर काफ़ी संजीदा है। 49,000 करोड़ से 62,000 करोड़ की बढ़ोतरी एक अच्छी बढ़ोतरी कही जाएगी, अच्छी बढ़त कही जाएगी। अब नीतियों के जरिए इन आंकड़ों और जो बजट में जो पैसे उन्होंने अलॉट किए हैं अब अच्छी नीति बनाकर इस पर काम करने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि 6 महीने में तो खैर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है लेकिन आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक नतीजे हमको दिखेंगे। हमने इसी तरीके से शिक्षा को लेकर भी सोशल मीडिया पर एक पोल लॉन्च किया था और उसके भी नतीजे हमारे पास आ गए हैं और हम चाहते हैं कि वो आंकड़े भी आप एक बार देख लें हम इस बहस को ख़त्म करें। उससे पहले हमने पूछा था ट्विटर पे, हमने जो पोल लॉन्च किया था उसमें हमने पूछा था कि क्या योगी सरकार में प्राथमिक शिक्षा में बदलाव आया है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर, किताबों को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे, टाइम फ्रेम भी तय कर दिया गया था, लेकिन क्या बदलाव आया है और नतीजे क्या आए हैं, जो पोल के नतीजे हैं वो क्या कहते हैं वो भी देखिए। जो लोग ये मानते हैं कि हाँ योगी सरकार पिछले 6 महीने में प्राथमिक शिक्षा में बेहतर सकारात्मक बदलाव करने में सफल रही है उनकी तादाद है 33%, जबकि 47% लोग मानते हैं कि ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई अच्छी बात नहीं हुई है पिछले 6 महीने में। 20% लोग ऐसे हैं जिनकी राय इस बारे में स्पष्ट नहीं है,
कोई मुकम्मल राय नहीं है 20% लोगों की इस बारे में कि शिक्षा में बदलाव हुआ कि नहीं। तो ठीक है, इसमें ये जो फ़र्क है वो दो गुना का नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे लोग जो कि पिछले 6 महीने में सरकार के कामकाज को खास करके शिक्षा के मोर्चे पे बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, उनकी तादाद अच्छा मानने वालों से कहीं गुना ज़्यादा कहीं ज़्यादा है, और करीब करीब 1.5 गुना है। तो जाते जाते एक आखिरी कमेंट सूर्य प्रताप सिंह, सिर्फ एकदम हमारे पास 10 सेकंड का समय है, 15 सेकंड का समय है, आप ये बताइए कि आप शिक्षा के मोर्चे पे सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पे कितना नंबर देंगे? देखिए, पाठ्यक्रम में संशोधन का काम चल रहा है, नकल रोकने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट सीसीटीवी कैमरे के लिए दिया जा रहा है। दो मुद्दे मैं मुख्य रूप से मानता हूँ, बजट का आपने ऑलरेडी दिखा दिया कि बजट का अधिक हुआ है, ये देख लिया है। इसको देखते मुझे लग रहा है क्योंकि तैयारी हो रही है शिक्षा में, एकदम आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, स्कूल की जो किताबें गई हैं उनमें जाने में विलंब हुआ है, बस्ते जाने में विलंब हुआ है, मोजे और जो जूते सरकार ने पहली बार दिए हैं उसमें विलंब हुआ है, खरीदारी में विलंब हुआ है, इतना मानता हूँ। मेरे साथ तैयारी के हिसाब से देखें शिक्षा में जो काम हो रहा है, मैं 6 नंबर देता हूँ। 6 नंबर और चिकित्सा में, चिकित्सा का आपने पूछा नहीं है, चिकित्सा को मैं अपने हिसाब से 5 नंबर देता हूँ। 5 नंबर देते हैं, यानी कि स्वास्थ्य के मोर्चे पे थोड़ा कम काम हुआ है, शिक्षा पे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इस बहस को यहीं खत्म करते हैं, हमारे पास और भी